नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज एक ऐसा विषय आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बेहद काम आ सकता है। मित्रों, अक्सर आपने हमें भी या फिर किसी और योग्य विद्वान को यह बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि आप केसर का प्रयोग करिए। जी हाँ, केसर जिसे इंग्लिश में सेफ्रॉन कहा जाता है, बेहद काम का है। बात करें आध्यात्मिक तौर पर बात करें या फिर किसी भी तरीके से उसके प्रयोग की बात करें, तो दोनों ही तरीके से यह केसर बहुत लाभदायक है, अमृतमयी माना गया है। वैसे तो केसर आपके घर में विद्यमान भी होगा, आपने बहुत बार उसका तिलक भी किया होगा। आज इसी विषय को आपके लिए लेकर आए हैं कि केसर कैसे आपके लिए चमत्कारी हो सकता है, यही केसर आपके रुके हुए धन की आपको प्राप्ति कैसे कराएगा, इसी केसर के द्वारा आपके बच्चे सद्मार्ग पर कैसे आएंगे, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र। ओम श्री धराय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से यकीनन आपको धन का लाभ हो सकता है, आपको रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु का महामंत्र है ये, इस मंत्र का अनुसरण जरूर करें। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए आपको अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। ये समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 के मध्य। कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य यदि करना है तो इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस समय किया गया कार्य यकीनन आपको लाभ दे सकता है। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य ये समय है। भाई, कोई भी नया कार्य इस समय ना करिएगा, वरना नुकसान भी हो सकता है और कहीं ना कहीं क्षति अवश्य हो। विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि केसर के चमत्कारी गुण क्या हैं। केसर जिसे इंग्लिश में सेफ्रॉन कहते हैं, कैसे हमारे लिए लाभकारी और अमृतमयी माना गया है। देखिए, प्रकृति ने केसर को चमत्कारिक और औषधीय गुणों से भरपूर बनाया है। ज्योतिष में केसर को चमत्कारी भी माना गया है, क्योंकि इसके प्रयोग से बहुत बार पूजा पाठ में, यंत्रों को बनाने में हर तरीके से लाभ मिल जाता है। और इसके द्वारा बनाया गया यंत्र या फिर इसके द्वारा प्रयोग में लाई गई स्याही कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ देती है। ज्योतिष के अनुसार केसर का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। इसके प्रयोग से अशुभ बृहस्पति भी आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर ठीक अवस्था में नहीं है, 0 से 6 डिग्री तक के हैं, कमजोर हैं, पापी ग्रहों के साथ हैं, तो आप केसर का प्रयोग जरूर करिए। केसर के प्रयोग से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, लोकप्रियता आपकी बढ़ सकती है, नौकरी व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है और यही केसर आपकी मैरिड लाइफ को यानी आपके दाम्पत्य जीवन को एकदम से सुखद कर सकता है। केसर का सही प्रयोग जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकियों में खत्म कर सकता है। तो भाई, केसर को सही तरीके से आप प्रयोग करिएगा। कौन सा वो सही तरीका है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि केसर के प्रयोग से धन लाभ कैसे हो सकता है। क्योंकि तो सभी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें धन का फायदा कब होगा, नौकरी में, व्यापार में, आजीविका में सब लोगों की चाह रहती है कि उन्हें धन की प्राप्ति हो जाए। तो यही केसर आपको कैसे धन प्राप्त करा सकता है, जरा ये विचार। किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय केसर में थोड़ा सा आप जल मिलाकर एक स्याही तैयार कर लीजिए। एक साबुत पान के पत्ते पर केसर से आपको श्रीम लिखना है। श्रीम बहुत आसान है लिखना, आप इसे लिख लीजिएगा। तथा ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का मात्र 27 बार जाप कर लीजिए। यह भी कठिन नहीं है। जाप के बाद पान के पत्ते पर थोड़ा सा सफेद मिष्ठान रखिए, थोड़ा सा हो सके तो एक दो हरी इलायची भी रख सकते हैं। अब यह सामग्री किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपको यकीनन धन का लाभ होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। और अगर आपको इस उपाय से एक बारी में फायदा ना हो, लाभ ना हो, तो आप इसको 2-3 बार दोहरा सकते हैं। मित्रों, केसर का सही प्रयोग आपके बच्चों की गलत आदतें छुड़वा सकता है। यही केसर आपको जहां सेहतमंद बनाता है, वहीं केसर आपके बच्चों को सद्मार्ग पर भी ला सकता है।
कौन सा है वो उपाय छोटा सा, उसे भी आप नोट करिए। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, देखिए अभी तो हमने शुक्रवार की होरा के अंदर उपाय करने के लिए आपको बताया था कि शुक्रवार के दिन सुबह के समय आप ये उपाय करिए। अगर बच्चे गलत रास्ते पर हैं तो भाई शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को चांदी या स्टील की प्लेट में थोड़ा सा शुद्ध केसर आप रख लीजिए। ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा, केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। केसर और गंगा जल के इस मिश्रण को थोड़ी देर से आप इसको भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए और इसी मंत्र का जाप दोहराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अब यह केसर आप अपने बच्चों के माथे पर और कंठ पर जरूर लगाइए, यानी कि केसर और गंगा जल का जो मिश्रण होगा वह जब स्याही बनेगी, थोड़ा सा पीले रंग की यह स्याही बन जाएगी, आप इसी का तिलक अपने बच्चों के माथे पर करिए, देखिए कितना आपको लाभ होगा। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में जरूर लगेगा, बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, बच्चे की गलत संगति छूट जाएगी। और वही बच्चा अगर आप सही तरीके से केसर को प्रयोग में लाए, आपका रेस्पेक्ट भी करेगा और उसकी सेहत भी दिन प्रतिदिन पहले से अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों ये तो थे केसर के छोटे छोटे प्रयोग जो हर दिन हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। लेकिन अब समय हो गया है मेष वृष मिथुन राशि के दैनिक राशिफल को जानने का। मेष राशि, मित्रता में अकारण विवाद हो सकता है, अपना पैसा आपको संभाल कर रखना है, घर में समय जरूर दें। शुभ रंग है नारंगी, आज पितरों के नाम से थोड़ा सा दान कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, अचानक शुभ सूचना की आपको प्राप्ति होगी, धन को लेकर व्यापार को लेकर यह सूचना हो सकती है, परिवार से आज कहीं ना कहीं दूरी होगी, व्यापार में पैसा ना लगाएं, शुभ रंग है आसमानी, आज उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। मिथुन राशि, नया व्यापार आज शुरू ना करें, नौकरी का नया आपको अवसर मिलेगा, घर की सफाई पर आपको ध्यान देना है, शुभ रंग है गाजरी, आज गेहूं का दान सर्वोत्तम रहेगा। मित्रों हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से सिरसा से रोहित जुड़े हमारे साथ, बहुत स्वागत है भैया आपका। और रोहित का प्रश्न है कि गुरुजी भविष्य कैसा रहेगा, क्या मेरी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कोई उपाय बताएं। देखिए रोहित, आपको बता दूं कि तुला लग्न की आपकी पत्रिका, चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग आपकी पत्रिका के लग्न में ही है। तुला आपकी राशि है, तुला आपका लग्न है, लेकिन सूर्य और बुध की युति है, कहीं ना कहीं शनिदेव की स्थिति भी यहां पर बहुत उत्तम है, तो ऐसे में सरकारी नौकरी की प्राप्ति का योग तो है। आप अपने मन की हताशा, निराशा और परेशानियों को बिल्कुल भगा दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपको अगर सफलता पानी है, क्योंकि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है, तो ऐसे में प्रतिदिन आप भगवान शिव की उपासना करिए, नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए, 10 से 12 रत्ती तक का शुद्ध एक मोती आप अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में पहन लीजिए, यकीनन आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय, भगवान सूर्य की उपासना प्रतिदिन करिए, अपने पिता से अपने संबंधों को बेहतर करिएगा, प्रतिदिन अपने पिताजी के चरण स्पर्श करिए, माता का कहा मानिए, घर की स्थिति को पहले से और बेहतर करने के लिए प्रतिदिन आप अपने घर में शुद्ध कपूर जरूर जलाइएगा। तो छोटा सा ये उपाय कर लीजिएगा रोहित, कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे उपाय आपके बेहद काम आने वाले। आइए मित्रों बात करते हैं पहले उस महाउपाय की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है। मित्रों शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी के मंदिर में तिल के तेल का एक दीपक जलाएं, देवी लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करें, चाहे तो भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप भी आप साथ में कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको धन का लाभ अवश्य होगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि। कर्क राशि, अचानक नौकरी में प्रमोशन होगा, संतान की तरक्की भी होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई, आज बच्चों की हेल्प जरूर करिएगा, उनको थोड़ा सा स्टेशनरी डोनेट कर दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ मिठाई खिलाइए, हेल्प जरूर करिए। सिंह राशि, आजीविका में कोई परिवर्तन ना करें, अधिकारी वर्ग से लाभ होगा, उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है, शुभ रंग है आपके लिए लाल, आज पीली मीठी वस्तु का दान जरूर करें।
बात करते हैं कन्या राशि की। अपने परिवार के लोगों की सेहत का ध्यान रखें, संतान के कारण थोड़ा चिंता बढ़ सकती है। आज मेहमान आने का योग है, शुभ रंग है गुलाबी। आज अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर जरूर करें। मित्रों, अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, मानसी हैं। बहुत स्वागत है मानसी आपका। और मानसी का प्रश्न है कि गुरुजी मेरी राशि क्या है, मेडिकल की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सफलता मिल पाएगी, कोई उपाय आप साझा करें। देखिए मानसी, आपको बता दूं, आपने अपनी राशि पूछी है। मकर आपका लग्न है, कुंभ आपकी राशि है। वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनिदेव मार्गी अवस्था में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे समय आपकी कुंडली जो है बेहद मजबूत स्थिति में है। हालांकि यहां पर उतरती हुई साढ़े साती का प्रभाव है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। रहा प्रश्न आपका कि आप मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, क्या उसमें सफलता मिलेगी? यकीनन आपको सफलता मिलेगी। सूर्य मंगल की युति कुंडली के नवम भाव में है, तो ऐसे में अपनी सफलता को और बेहतर करने के लिए, निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पीपल के छोटे छोटे दो पौधे आप किसी विष्णु मंदिर में लगा दीजिए और तुलसी का सेवन आप प्रतिदिन जरूर करिए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए मित्रों, बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो नौकरी, व्यापार या फिर आजीविका की समस्या को खत्म कर सकता है। अपने हर कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने हर कार्य में सफलता पाने के लिए, तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा शुद्ध लाल चंदन मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। यकीन मान के चलो मित्रों, आपको धन का लाभ तो होगा ही, आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद बना रहेगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, अचानक आपको चोट लग सकती है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, दैनिक कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग है आसमानी। आज चावल का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि, आज साझेदारी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी होगा, धन खर्च पहले से ज्यादा होगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज सुबह के समय थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें तो बेहतर। धनुराशि, रुके हुए कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, धन प्राप्ति का प्रबल योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज पीली मिठाई छोटे बच्चों में बांटिए तो आपकी नौकरी की समस्या खत्म होगी। आइए मित्रों, बात करते हैं उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा कर सकता है। मित्रों, अगर आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, कुछ खाना खाने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, एक छोटा सा उपाय, एक गिलास पीने वाले पानी में कम से कम दो साबुत अंजीर आप रात्रि के समय भिगो दीजिए। सुबह के समय खाली पेट आप इसका सेवन करिए और अंजीर को भी आप खा लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी शारीरिक थकावट, थकान कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, लीवर के रोग से बचाव करें, परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, धन किसी को उधार ना दें। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज शिव मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। कुंभ राशि, संपत्ति के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े आज खत्म होंगे, मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज हो सके तो पीपल के पेड़ पर थोड़ी सी शक्कर जरूर चढ़ाएं। मीन राशि, आंखों पर चोट से थोड़ा सा समस्या बढ़ सकती है, नौकरी में परिवर्तन का बड़ा योग है, धन प्राप्ति में बहुत सारी मुश्किलें होंगी। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज पीले चंदन का तिलक कर लीजिए तो कहीं ना कहीं परेशानियां और मुश्किल कम हो सकती है। आइए मित्रों, बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महाउपाय की जो हर दुख, परेशानी और संकट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं हर नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहे, हर दुख परेशानी संकट से आप बचे रहें, तो भाई इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। काले और सफेद तिल मिला लीजिए और उसमें ऊपर से थोड़ा सा शक्कर मिलाइए। इस सारी सामग्री को मिलाकर आप काली चींटियों को खिलाने के लिए डाल दीजिए पीपल के पेड़ की जड़ में। ऐसा करने से आप हर दुख परेशानी संकट से बचे रहेंगे, हर नकारात्मक ऊर्जा से भी आप बचे रहेंगे।
तो मित्रों आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।